Hello guys, what's up? This is Ashish and I welcome you on English Tutorials Ashish Sir. Here we are going to discuss Historic Handshake, a new editorial at The Hindu. So let us talk about the new editorial. Here is a new word, historic. Historic का मतलब नोट करिएगा, जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, बहुत ही महत्वपूर्ण. और हैंडशेक, हाथ मिलाना यहाँ पे है. तो ये जो हाथ मिलाए हैं दो बड़े नेताओं ने, बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष से अपने देश के जो प्रभावी व्यक्ति हैं, ट्रंप और किम. ट्रंप जो कि राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, किम जो कि उत्तरी कोरिया से हैं, इन दोनों का जो मिलन है इसको कहा गया है हिस्टोरिक हैंडशेक. बहुत ही महत्वपूर्ण मिलन कहा गया है इसे. तब चर्चा करते हैं नई वर्ड्स की. यहाँ पे बहुत सारे नए वर्ड्स होंगे, फ्रेजल वर्ब्स होंगी, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हमें नई मिलेंगी और हमें एनरिच कर पाएंगे हमारा जनरल नॉलेज भी. तो यू मस्ट बी एक्साइटेड एज वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू हियर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर दिस लेट मी टेल यू अबाउट आवर न्यू कोर्स ऑन एन अकेडमी. 500 मोस्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस ये चल रहा है अन अकेडमी पर. तो ये देखते चलिएगा 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस का मैंने सीक्वेंस बनाया है वहां पे. देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने दिए हैं. तो 500 जो ईडियम्स हैं यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि वो 500 ईडियम्स हमें लर्न कैसे करना है, दैट आई हैव टोल्ड देयर. सो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से आप कनेक्ट हो जाइए इन इस नए कोर्स से. साथ ही प्लस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए भी आप रेडी रहिए, क्योंकि बहुत ही शानदार वो कोर्स होगा जो कि स्टार्ट होगा 30th of June से 24th ऑफ अगस्त तक वो जो कोर्स चलने वाला है. 40 डेज की क्लासेज हैं, वहाँ भी आप जुड़ जाइए. जल्दी मैं लाइव आके आपको बताऊंगा प्रोसीजर कि कैसे आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये नया एडिटोरियल हिस्टोरिक हैंडशेक. जैसा कि मैंने कहा इसका मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण मिलन है ये, उसके बारे में कहा गया. हिस्ट्री का मतलब है हैविंग इम्पोर्टेंस, यू कैन से हैविंग अ लार्ज इम्पोर्टेंस, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है. ट्रंप एंड किम हैव ट्रैवर्स्ड अ रिमार्केबल डिस्टेंस. ट्रैवर्स का मतलब क्या है नोट करिएगा. ट्रैवर्स से मतलब यहाँ पे है गो अक्रॉस या क्रॉस. क्या मतलब है? क्रॉस या गो अक्रॉस. ट्रंप और किम दोनों ने ही बहुत बड़ी जो दूरी है वो तय करी है, उसे पार किया है दूरी को. और देखिए यहाँ पे हैव है, इसी कारण से वर्ब की थर्ड फॉर्म में याद रखिएगा. जहाँ भी एच आपको हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट लेटर मिलेगा, देयर वी हैव टू एड V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल वी हैव टू यूज देयर. दे मस्ट बिल्ड ऑन इट. तो एक नया फ्रेजल वर्ब यहाँ पे दिखता हुआ आपको बिल्ड ऑन से मतलब है डेवलप या एनहांस. बिल्ड ऑन से मतलब है एनहांस या डेवलप. तो दे मस्ट बिल्ड ऑन इट, इसे उन्हें आगे बढ़ाना है. जो ये डिस्टेंस उन्होंने पार की है उसे आगे लेकर चलना है. आगे देखिएगा, द हिस्टोरिक समिट बिटवीन US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन इन सिंगापुर इज एन अफर्मेशन ऑफ द पावर ऑफ डिप्लोमेसी. अफर्मेशन का मतलब है पुष्टिकरण, रेटिफिकेशन को कह सकते हैं आप अफर्मेशन. तो ये पुष्टिकरण है, इसका सिनोनिम बताया मैंने आपको रेटिफिकेशन, RATIFICATION. रेटिफिकेशन मीन्स पुष्टिकरण. ओके, सो क्या लिखा गया है देखिए यहां पे, एक नया वर्ड हमने देखा है अफर्मेशन. द हिस्टोरिक समिट, समिट शिखर वार्ता को बोलते हैं. तो ये जो समिट टॉक है दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन, जो सिंगापुर में ये हुआ है, इज एन अफर्मेशन ऑफ द पावर ऑफ डिप्लोमेसी. ये एक अफर्मेशन है, ये पुष्टिकरण है किस चीज का? कूटनीति की शक्ति का. डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति. गॉट इट? Until a few months ago, कुछ महीनों पहले तक, the two countries had been trading nuclear threats. तो कुछ महीनों पहले तक तो ये था कि nuclear threats दे रहे थे. तो ये nuclear threats थी कि भाई किम जोंग उन है वो डरा रहे थे अमेरिका को, अमेरिका वाले काउंटर अटैक कर रहे थे, threats दे रहे थे, counter threats दे रहे थे नॉर्थ कोरिया को, as the North raced along with its nuclear weapon program. क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया है वो लगातार न्यूक्लियर वेपन जो प्रोग्राम है उसको साथ लेकर चल रहा था, बार बार में ये परमाणु परीक्षण करते आ रहे हैं जैसा कि हमें पता है. नाउ एज मिस्टर ट्रम्प शुक हैंड्स विद मिस्टर किम. अब जब इन्होंने हाथ मिलाया है किम के साथ में, हु हैड वंस सेड द US प्रेसिडेंट वर मेंटली डीरेंज्ड. डीरेंज्ड यहाँ पे है, इसका मतलब होता है इनसेन या पागल, इनसेन या मैड कह सकते हैं.
तो आई एन एस ए एन ई, या फिर आप कह सकते हैं मेन. कभी ऐसा वक्त भी था जब किम जोंग ने अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में कहा था कि वो मानसिक अवसादग्रस्त व्यक्ति हैं. इट वॉज अ रिमाइंडर ऑफ रिचर्ड निक्सन्स ग्राउंड ब्रेकिंग 1972 विजिट टू बीजिंग. और ये जो घटनाक्रम हुआ है, जो एक दुश्मन हुआ करते थे एक दूसरे के, उन दोनों का मिलन है, ये हमें याद दिलाता है एक ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग 1972 विजिट जो था बीजिंग तक. निक्सन जो बीजिंग गए थे, उस घटनाक्रम की याद दिलाता है. कुछ ऐसा ही वहां पर भी देखने को मिला था. थ्रू द डे बोथ मिस्टर ट्रंप एंड मिस्टर किम वर कीन ऑन कास्टिंग द कॉम्प्रिहेंसिव मीट इन अ पॉजिटिव लाइट. सो यहां पे क्या कहना चाह रहा है, थ्रू द डे, उस दिन के दौरान मिस्टर ट्रंप और जो ये किम है, देखिए बोथ के साथ में हमेशा एंड का प्रयोग करते हैं, इसी कारण से यहां पे एंड है. दोनों ही जो लोग हैं, वर कीन, कीन ऑन का मतलब है बहुत ही उत्सुक थे. दे वर ईगर टू डू समथिंग. सो बहुत उत्सुक थे ऑन कास्टिंग द कॉम्प्रिहेंसिव मीट. कॉम्प्रिहेंसिव जो होता है समग्र को, संपूर्ण को बोलते हैं, इन अ पॉजिटिव लाइट. उनकी कोशिश थी कि ये मीटिंग जो है बहुत पॉजिटिव लाइट में हो, मीन्स सकारात्मक चीजें लेकर आए. द टू विम्सिकल लीडर्स, विम्सिकल का मतलब होता है सनकी या वहमी, आप कह सकते हो अनप्रेडिक्टेबल या इम्पल्सिव. ओके, तो ये जो दो सनकी लीडर्स हैं डिजर्व फुल क्रेडिट फॉर दिस दो इन रिलेशन. दो का मतलब क्या है, इसका मतलब है ये यहाँ पे है फ्रेंडलीनेस बढ़ना, मित्रता बढ़ना, प्रगाढ़ होना संबंध. तो दो जो विम्सिकल लीडर्स हैं उनको पूरा श्रेय जाता है. क्रेडिट का मतलब यहाँ पे श्रेय है, इन फॉर दिस दो इन रिलेशन, जो ये प्रगाढ़ होते हुए रिश्ते हैं. गिवन द डिकेड्स ऑफ हॉस्टिलिटी, जहाँ हम ये देखते हैं कि दशक बीत गए हैं इनकी दुश्मनी को लेकर. एंड द क्विक डिप्लोमेसी दैट पुल्ड द कोरियन पेनिनसुला बैक फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ वॉर. ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, एज. ओके, एंड यहाँ पे एक चीज और देखिए, पुल बैक, एक नया फ्रेज यहाँ पे है आपके सामने, पुल एंड बैक. तो पुल बैक का मतलब है विथड्रॉ करना, रिट्रीट, पीछे हटना. एंड द क्विक डिप्लोमेसी, और जो कूटनीति है, दैट पुल्ड द कोरियन पेनिनसुला बैक, जिसने कोरियन पेनिनसुला से पीछे कदम हटा, कोरियन पेनिनसुला थे वो विड्रॉ किया फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ वॉर. तो ये क्या है, युद्ध के स्तर पर आके ये पीछे हट गए थे, ऐसा भी इनमें दुश्मनी रही है. इट ऑल बिगेन विद द न्यू साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जे इन्स एक्सपेंसिव आउटरीच टू द नॉर्थ. एक्सपेंसिव का मतलब है विस्तृत. देखिए यहाँ पे अगर ई होता, ई एक्स पी ई, तो ये होता महंगा, लेकिन ए है तो ये है बढ़ाना, विस्तृत, बढ़ा हुआ. तो इट ऑल बिगेन, ये सब कुछ शुरुआत कब हुई, जब विद द न्यू साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जे इन्स एक्सपेंसिव आउटरीच. आउटरीच का मतलब होता है सरपास करना, जब ये पार करके गए अपने मींस लिमिटेशन से बाहर जाकर, जब नॉर्थ कोरिया को इन्होंने कदम बढ़ाया, उस कारण से ऐसा हो सका. मिस्टर किम रेसिप्रोकेटेड बाय सेंडिंग एथलीट्स टू द विंटर ओलंपिक्स इन साउथ कोरियन फरवरी. रेसिप्रोकेट का मतलब है लौटाना, मींस आपने जो कुछ किया और वो गिव बैक करना, रेस्पोंड करना. जब साउथ कोरिया ने कदम बढ़ाया मित्रता की ओर, तो इन्होंने भी रेस्पोंड कैसे किया, इन्होंने अपने एथलीट्स भेजे विंटर ओलंपिक जो साउथ कोरिया में था फरवरी में, वहां पे अपने एथलीट्स भेजे. एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द कोरियाज इंप्रूव्ड रैपिडली. तो देखिए बिटवीन इसलिए है क्योंकि दो यहाँ पे हैं कोरियाज, एक नॉर्थ कोरिया है एक साउथ कोरिया है. एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द कोरियाज इंप्रूव्ड रैपिडली. अब देखिए रिश्ता जो है दोनों ही राष्ट्रों के बीच में वो बहुत तेजी से प्रोग्रेस करके गया, सुधार इनमें हुआ. मिस्टर किम इन्वाइटेड द यूएस प्रेजिडेंट फॉर अ मीटिंग. तो फिर दोनों ही मिस्टर किम ने इन्वाइट कर लिया यूएस प्रेजिडेंट को मीटिंग के लिए. मिस्टर ट्रंप एक्सेप्टेड एट वंस. एट वंस का मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली, और तुरंत इन्होंने स्वीकार भी किया. सरप्राइजिंग अमेरिकाज अलाइज एंड राइवल्स. और ये जो स्वीकारोक्ति है ये इन्होंने एक्सेप्ट किया है, ये जो एक्सेप्टेंस है इसने सरप्राइज कर दिया अमेरिका के जो घटक, जो भी गठबंधन थे, या कहें कि आप जो मित्र राष्ट्र हैं या फिर राइवल्स हैं जो विरोधी खेमा है, उन सबको आश्चर्यजनक स्थिति में पहुंचा दिया. However, it was not certain, लेकिन फिर भी ये जो था ये निश्चित नहीं था whether the meet would take place, कि वो ये जो मीटिंग है, मीट का मतलब यहाँ पे मीटिंग है, वो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी. मिस्टर ट्रंप वंस कॉल्ड इट ऑफ. कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना. कॉल ऑफ नया फ्रेजल वर्ब है, लिख लीजिएगा, कैंसिल करना. मिस्टर ट्रंप ने तो एक बार इसे कैंसिल भी कर दिया था. आफ्टर थ्रेट्स एंड काउंटर थ्रेट्स एस्केलेट. एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ना, इसी से बनता है एस्केलेटर, जो लिफ्ट होता है. तो जब धमकियों का दौर दोनों ही साइड से बढ़ने लग गया था, तो इन्होंने कैंसिल कर दिया था इसको. बट द एपेटाइट फॉर रेप्रोचमेंट. रेप्रोचमेंट का मतलब रिकॉन्सिलिएशन है. रेप्रोचमेंट का मतलब एग्रीमेंट है, सहमति है. लेकिन जो ये भूख थी
फिर से सुलह करने की वॉज क्लियरली ग्रेटर ऑन बोथ साइड, वो दोनों ही साइड बहुत ज्यादा थी, एंड द रेंडेवू वॉज बैक ऑन ट्रैक. रेंडेवू का मतलब होता है मीटिंग, और ये जो मीटिंग था फिर से ट्रैक पर आ गई, फिर से निर्धारित समय पर मीटिंग हो पाई. इन द ब्रीफ जॉइंट स्टेटमेंट आफ्टर देयर मीटिंग, और जो इनकी मीटिंग थी उसके बाद में जो ये एक ब्रीफ जॉइंट स्टेटमेंट इन्होंने दिया, छोटा सा एक संयुक्त वक्तव्य इन्होंने जारी किया. मिस्टर किम एटरेटेड, एटरेटेड का मतलब होता है दोहराना, रिपीट करना. इन्होंने दोहराया हिज फर्म एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट. फर्म दृढ़ है, अनवेवरिंग का मतलब ही है जो हिलता डुलता नहीं है, एकदम स्थिर है. कमिटमेंट टू कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन, उन्होंने दोहराया कि वो एकदम अडीग है इस बात को लेकर कि डीन्यूक्लियराइजेशन हम करवाएंगे, वो वहां से हथियारों को हटा देंगे. अब द कोरियन पेनिनसुला, जो कोरियन पेनिनसुला का क्षेत्र है, प्रायद्वीप को बोलते हैं पेनिनसुला, वहां से वो हथियारों को हटा देंगे, न्यूक्लियर हथियारों को हटाएंगे. वाइल मिस्टर ट्रंप ऑफर्ड सिक्योरिटी गारंटीज टू द नॉर्थ, मिस्टर जहाँ पे मिस्टर ट्रंप ने भी ये कहा वापसी में, एक इन्होंने कैसे रेस्पॉन्ड किया कि अगर आप डीन्यूक्लियराइजेशन को लेकर कमिटेड हैं तो हम कमिटेड हैं सिक्योरिटी गारंटी को लेकर. मिस्टर ट्रंप, मिस्टर किम हैड ऑलरेडी प्रॉमिस टू डीन्यूक्लियराइज द पेनिनसुला इन रिटर्न. मिस्टर किम ने पहले भी प्रॉमिस किया था डीन्यूक्लियराइज करने का पेनिनसुला को इन रिटर्न फॉर सिक्योरिटी अश्योरेंसेज, लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा था कि भाई वापसी में हमें क्या चाहिए है, सिक्योरिटी अश्योरेंसेज चाहिए, सुरक्षा उन्होंने आश्वासन चाहिए है. वाइल मिस्टर ट्रंप हैड प्रॉमिस्ड दैट द नॉर्थ वुड बी वेलकम्ड इनटू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो मिस्टर ट्रंप ने वादा किया था कि नॉर्थ कोरिया का स्वागत किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में एज अ रेस्पेक्टेबल मेंबर, एक सम्मानीय सदस्य के रूप में, एंड बी अलाउड टू प्रॉस्पर इकोनॉमिकली, हम उन्हें अलाउ करेंगे कि वो इकोनॉमिकली भी प्रॉस्पर हों. द टू लीडर्स हैव पुट दीज डिमांड्स एंड प्रॉमिसेज इनटू अ डॉक्यूमेंट, दोनों ने अपनी डिमांड है वो एक डॉक्यूमेंट में रखी है. दैट कुड गाइड फ्यूचर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, जो आगे कूटनीतिक रूप ले सकती है, कूटनीतिक एंगेजमेंट का रूप ले सकती है. मिस्टर ट्रंप ऑल्सो अनाउंस दैट, मिस्टर ट्रंप ने यह भी अनाउंस किया दैट ही वुड एंड रेगुलर अमेरिकन वॉर गेम्स, की वो जो रेगुलर अमेरिकन वॉर गेम्स है, बार बार में हम लड़ाई की बात करते हैं, वो सब खत्म कर देंगे विद साउथ कोरिया, अ कंसेशन टू द नॉर्थ. अब कंसेशन जो है वो छूट को कह सकते हैं. कंसेशन का मतलब है समथिंग एग्रीड टू गिव समवन और लेट देम डू इन ऑर्डर टू एंड अ कॉन्फ्लिक्ट, मीन्स कुछ ऐसा सहमत हो जाना या ऐसा करने के लिए सहमत हो जाना ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट रुक जाए, तो ये नॉर्थ कोरिया के लिए एक कंसेशन के रूप में है. वाइल द समिट इटसेल्फ वाज अ बिग सक्सेस, जहां ये जो शिखर वार्ता है वो अपने आप में एक बड़ी सफलता है. देखिए इटसेल्फ यहां पे लगा है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि समिट को देखते हुए, और वैसे ये इम्फेसाइजिंग है क्योंकि सब्जेक्ट के ठीक बाद में अगर सेल्फ वाला सेक्शन आता है इसका मतलब वो इम्फेसाइजिंग होता है, तो ये इम्फेसाइजिंग यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में आया है, एंड अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है गिवन द डिस्टेंस बोथ कंट्रीज कवर्ड इन रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. स्पैन का मतलब होता है अवधि, क्योंकि इन्होंने बहुत कम समय में ये दूरियां तय की है. इट इज़ टू अर्ली टू से, लेकिन अब ये कहना इतना जल्दीबाजी है, अभी इतना जल्दी है कि हम कह नहीं सकते हैं. देखिए टू टू जब लगता है तो वहाँ पे नेगेटिव सेंस तो ऑटोमेटिकली आता ही है. आपको याद रखना है वेर एवर वी हैव टू टू देन वी कैनॉट एड नॉट इन द गिवन सेंटेंस, आप नॉट अप्लाई नहीं कर सकते वहाँ पे. मिस्टर ट्रंप एंड मिस्टर किम कैन पुल ऑफ ए निक्सन मायो टाइप ब्रेक थ्रू. ब्रेक थ्रू का मतलब सफलता है और पुल ऑफ का मतलब सक्सीड होना है, सफल होना है. कि ये दोनों ही जो लोग हैं क्या वो निक्सन मायो टाइप, निक्सन का नाम देखिए पहले भी आया जो बीजिंग की यात्रा करके आए थे, उनसे कंपेयर किया था इन दोनों के मीटिंग को, तो क्या वैसा ही हो पाएगा, वैसी सफलता मिल पाएगी, ये कहना अभी निश्चित नहीं है. द जॉइंट स्टेटमेंट प्रोवाइडेड फ्यू स्पेसिफिक्स. स्पेसिफिक्स का मतलब होता है विशेष चीजें कह सकते हो आप. स्पेसिफिक्स का मतलब है प्रिसाइज डिटेल्स कह सकते हो, जो भी विशेष बिंदु हैं. ऑन हाउ डीन्यूक्लियराइजेशन कैन टेक प्लेस, कि ये भी जॉइंट जो स्टेटमेंट है उसमें बहुत ही कम ऐसे आपको संकेत मिले हैं कि कैसे डीन्यूक्लियराइजेशन होगा. और हाउ नॉर्थ कोरिया स्टेप टू डिसमेंटल. डिसमेंटल का मतलब होता है विघटित करना, और कैसे नॉर्थ कोरिया के जो स्टेप हैं डिसमेंटल करने का, अपने आर्सेनल को, अपने हथियार ग्रह को, विल बी मॉनिटर्ड. उसका मॉनिटर कैसे किया जाएगा, निरीक्षण कैसे किया जाएगा. देर आर नो डेडलाइंस मेंशनड, क्योंकि अभी तक कोई डेडलाइंस तय नहीं की गई है कि इस डेट तक हम ऐसा कर देंगे. There is no reference to China. China का कोई संकेत नहीं दिया है. North Korea's only ally, जो North Korea का एकमात्र क्या कहें मित्र राष्ट्र है. There has been no word on whether the two will establish formal diplomatic ties. ऐसा कोई शब्द नहीं कहा गया है, ऐसी कोई बातचीत नहीं की गई है कि दोनों है वो मिलकर diplomatic ties बनाएंगे, कूटनीतिक गठबंधन बनाएंगे. Besides इसके अतिरिक्त being unpredictable and impulsive, चूंकि सनकी हैं दोनों ही, विम्सिकल हैं, मिस्टर ट्रंप एंड मिस्टर किम मस्ट ऑल्सो स्टेयर डाउन हार्डलाइन एलिमेंट्स इन देयर रेस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को बोलेंगे. स्टेयर डाउन का मतलब लुक फिक्सडली समवन,
तो किसी को ये घूरना कह सकते हो आप, सो एज टू मेक दैट पर्सन सबमिट और गिव्स इन और यील्ड, ताकि दूसरे को झुकाया जा सके। तो मिस्टर ट्रंप और मिस्टर किम को क्या चाहिए कि वो स्टेयर डाउन करे हार्डलाइन एलिमेंट्स इन देयर रेस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो सख्ती का रवैया अपनाते हैं दोनों ही प्रशासन, वो अब थोड़ा सा सख्त रवैया हटाकर उदारवादी रवैया अपनाएं। दिस बोल्ड बिगिनिंग मस्ट नॉट बी वेस्टेड, ये जो एक साहसपूर्ण शुरुआत की गई है इसको वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, ये सब कुछ कहा गया है। तो एक नया एडिटोरियल हमने कंप्लीट किया है, बहुत सारे वर्ड्स हमने सीखे हैं, कुछ ग्रामर के चीज़ें भी हमने सीखी है, जरूर आपने नोट किया होगा, नोट जरूर करते चलिएगा और रिविजन करते रहिएगा। जल्दी हम मिलेंगे लाइव सेशन के जरिए, जहां हम बात करेंगे कि कैसे हमें एडिटोरियल को टैकल करना है, कैसे अब तक जो एडिटोरियल्स हुए हैं उसको यूटिलाइज करना है उन चीज़ों को, और साथ ही हम बात करेंगे कि अनअकैडमी प्लस कोर्स से जुड़ कैसे सकते हैं, जो आपके शंका हैं उनका समाधान लेकर मैं आऊँगा आपके सामने जल्द ही। चलिए मिलते हैं लाइव सेशन के जरिए, थैंक्स अ लॉट।